नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा। आप देख रहे हैं एसपीएन न्यूज। स्वागत है आप सभी का आज की इस बड़ी खबर में। बड़ी खबर की शुरुआत हम कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में हमने देखा कि आजमगढ़ और रामपुर, इन दोनों सीटों पर समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा, लेकिन चर्चा रामपुर की ज्यादा हो रही है। रामपुर की इसलिए क्योंकि मुसलमान वोट बट गए। मुसलमानों ने असीम रजा को उतना बड़ा सपोर्ट नहीं दिया जितना अखिलेश यादव जता रहे थे। तो ऐसे में क्या मुसलमान वोट पर मायावती की भी नजर है, और क्या मुसलमान वोट को बांटने की कोशिश की जा रही है, और अगर मुसलमान वोट बटेगा तो लोकसभा चुनाव पर कितना फर्क पड़ेगा। एक रिपोर्ट आपको दिखाएंगे और समझाने की कोशिश करेंगे कि कैसे मुसलमान वोट बट रहा है, कितना नुकसान इस मुस्लिमों को होता नजर आ रहा है। देखिए, सीधे सीधे तौर पर अगर बात करें तो फिलहाल रामपुर में असीम रजा के हारने के बाद आजम खान पर तो सवाल खड़ा ही हो रहा है। इसके साथ ही ये भी देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी की भी मुश्किलें बढ़ रही है। दरअसल आजम खान को जो झटका लगा है, देखिए आजम खान की तर्ज पर असीम रजा को उतारा गया था। बहुत बड़ी उम्मीद अखिलेश यादव को थी कि असीम रजा जीत जाएंगे, लेकिन मुसलमानों ने धोखा कर दिया। तो ऐसे में देखा जा रहा है कि जिस तरह से हम यहाँ पर देख लेते हैं कि आजमगढ़ सीट पर भी तो बहुत सोच समझ कर मायावती ने गुड्डू जमाल को उतारा था, जो 1 लाख वोट निकालने में कामयाब हुए थे। बहुत बड़ी बात है। तो ऐसे में क्या देखा जा रहा है, क्या मुसलमान वोट पर नजर अब मायावती की है, और मुसलमान वोट अगर बटेगा तो नुकसान किसको होगा, फायदा किसको होगा, ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में लगातार चुनाव हार रही समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव से मुस्लिम समाज का मोहभंग होने लगा है। आजमगढ़ और रामपुर में हुए लोकसभा उपचुनाव में पार्टी की हार से यह साबित हो गया है। ऐसे में अब यूपी की मुस्लिम सियासत को लेकर नया सियासी ताना बाना बुना जाने लगा है। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर उलेमाए काउंसिल तक ने अब यूपी में मुस्लिम समाज को समाजवादी पार्टी से दूर करने के लिए माहौल बनाना शुरू कर दिया। राजनीतिक दलों और उलेमा काउंसिल का दावा है कि भारतीय जनता पार्टी ने रामपुर और आजमगढ़ के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव के MY फैक्टर को तार तार कर दिया। ऐसे में मुस्लिम समाज अब समाजवादी पार्टी पर आंख मूंद कर भरोसा नहीं कर पा रहा। बीते विधानसभा चुनाव में सूबे के मुस्लिमों ने एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट किया था, जबकि BSP और कांग्रेस से मुस्लिम समाज ने दूरी बनाई थी। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM को भी यूपी के मुस्लिमों ने नकार दिया था। इसके चलते ही बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सीटें 47 से बढ़कर 111 हो गई। इन 111 सीटों में समाजवादी पार्टी से 31 मुस्लिम विधायक जीते थे। इसके बाद भी समाजवादी पार्टी मुखिया अखिलेश यादव ने मुस्लिम समाज और पार्टी के मुस्लिम विधायकों के खिलाफ प्रदेश सरकार के हुए एक्शन को लेकर आवाज़ नहीं उठाई। अखिलेश के इस रवैये से नाराज आजम खान के समर्थक बहुत ज़्यादा खफा हुए। पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान वर्क ने नाराजगी जताई। फिर भी अखिलेश यादव ने जनता के बीच जाने और मुस्लिम समाज के मुद्दों को उठाने का संकोच किया और रामपुर तथा आजमगढ़ में चुनाव प्रचार तक करने नहीं आए। अब ऐसे में देखा जा रहा है कि बसपा की बेहद बड़ी नज़र है। BSP मुखिया मायावती का कहना है कि यूपी के इस उपचुनाव परिणाम ने एक बार फिर से यह साबित कर दिया है कि केवल BSP में ही BJP को हराने की सैद्धांतिक और ज़मीनी शक्ति है। मायावती साफ तौर पर दलित मुस्लिम कॉम्बिनेशन पर ही आगे बढ़ सकती हैं और 2024 के लोकसभा चुनाव में इसी फॉर्मूले पर लड़ने का संकेत दे रहे हैं। यूपी के मुस्लिम वोट को अपनी तरफ लाने के लिए इन दलों की सक्रियता समाजवादी पार्टी के लिए संकट खड़े करेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाता अगर समाजवादी पार्टी के छिटका तो अखिलेश यादव के भविष्य की राजनीति पर सियासी संकट खड़ा हो सकता है। तो देखा आपने, ये रिपोर्ट सीधे तौर पर ये बता रही है रिपोर्ट की कहीं ना कहीं आज जो स्थिति बनी हुई है, आज जो हालात बने हैं, वे सीधे तौर पर बता रहे हैं कि कितना बड़ा खेल हो रहा है मुसलमान वोट को लेकर, क्योंकि समाजवादी पार्टी और बसपा दोनों की नजर है। हालांकि BJP ये बात जानती है कि मुसलमान वोट उन्हें तो नहीं मिलेगा, लेकिन मायावती कहीं ना कहीं मुसलमानों को अपने साथ जोड़ने का काम कर रही है। और ऐसे में अगर मुसलमान वोट बढ़ेगा तो सीधे तौर पर इसका फर्क जो है वो चुनावों पर भी दिखना नजर आएगा। हालांकि देखना होगा कि क्या अखिलेश यादव और आजम खान की चर्चे मुसलमान वोट बटने से रोक पाते हैं, या फिर मायावती कुछ ऐसा दांव चलेंगे कि मुसलमान वोट अगर बटेगा तो आजम खान भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार।